Hey guys, welcome back to my channel Locals Life. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रो एंड कॉन्स ऑफ शॉर्ट हेयर, जो कि है खुद के मेरे एक्सपीरियंस से. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोज से. तो पहला पॉइंट है कि हेयर बहुत हेल्दी दिखते हैं. तो जब से मैंने कट कराया है अपना हेयर, शॉर्ट किया है, काफ़ी हेल्दी फील होता है मुझे, क्योंकि ये एक बराबर में कट है, कोई ऊपर नीचे कुछ भी कट नहीं है. और दूसरा चीज़ मैं बोलूँगी है कि मोर वॉल्यूम. तो वॉल्यूम भी मतलब हेल्दी तो है, लेकिन वॉल्यूम भी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, क्योंकि जो भी ऊपर नीचे कट थे वो एक बराबर हो गया है, लेंथ एक बराबर हो गई है. अभी जो हेयर में मेरे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा है. तो मैंने बहुत सारी जगह ये भी पढ़ा है कि अगर आप अपने हेयर कट करते हो तो धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है, और आपकी जो डेंसिटी है वो भी इम्प्रूव होती है. तो लेट्स सी और आगे इन फ्यूचर क्या होता है. अगर कुछ ऐसा मुझे फील हुआ, मुझे लगा, देन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू. और थर्ड चीज़ है कि बहुत लेस शेडिंग होती है. जब बड़े बाल थे तो बहुत ज़्यादा फंसता था, वो टैंगल्स बहुत ज़्यादा होती थी. तो और शॉर्ट हेयर में वो चीज़ कम है, उलझते कम है, टूटते कम है. तो हेयर शेडिंग थोड़ी कम है इसमें. शॉर्ट हेयर इज़ ग्रेट फॉर फ्रेमिंग योर फेस. एक स्ट्रक्चर मिल रहा है फेस को और काफ़ी फ्लैटरिंग सा लुक लगता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो ये चीज़ मैं कंपेयर कर पा रही हूँ उस टाइम से और अब इस टाइम पे. फिफ्थ पॉइंट है इजी टू मैनेज. मैनेज करने में सच में जमीन आसमान का फर्क है. क्यों, एक टाइम ऐसा आया था कि जब मेरे लॉन्ग हेयर बहुत ज़्यादा ही टूट रहे थे, फंस रहे थे, कि उसकी वजह से मुझे केराटिन ट्रीटमेंट कराना पड़ा. वो भी कुछ टाइम तक के लिए था, ठीक था, अच्छा था, बस उसके बाद से फिर से वो बहुत ज़्यादा मतलब फिर से उसको मैनेज करना थोड़ा सा टफ डिफ़िकल्ट हो रहा था. अभी जब मैं कंपेयर करती हूँ अभी के टाइम पे, तो अभी मुझे मैनेज करना बहुत इजी लग रहा है. मैं जस्ट जल्दी से बस फॉर्म करती हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर करती हूँ चीज़ें और वो हो जाता है. बस करो रे, उसमें टाइम साझा मेरे बड़े बाल भी मेरा काफ़ी ज़्यादा सेव हो रहा है. मतलब जितना टाइम मैं स्पेंड करती थी, जैसे ऑफिस जा रही हूँ, हेयर कॉम करना है, बड़े बड़े बाल हैं, उसको ब्रेड करना है, ये स्टाइल करना है, वो स्टाइल करना है, वो टाइमिंग कम हो गया. प्लस दूसरी चीज़ है कि जब भी मैं अपने हेयर को जैसे कि पोनी कर रही हूँ, लंबे बाल हैं, तो मैंने ये नोटिस किया कि इन द इवनिंग, जैसे सुबह तक किया, सुबह से लेकर शाम तक रहना पड़ता था ऑफिस में, इन द इवनिंग मेरा हेडेक होने लगता था. तो ये चीज़ मेरे साथ 2-3 बार हो गई. तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट पोनी करने से जैसे कि हेडेक हो रहा है. और जैसे कि मैं वॉश करती हूँ हेयर, उसी दिन ही मैं थोड़ा सा हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाकर अपने हेयर स्ट्रेट कर लिया. तो मेरा पूरा वीक हेयर स्ट्रेट रहता है. वीक में वंस अ वीक एक बार हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ, और पूरे वीक ये ऐसे एकदम स्ट्रेट रहता है. मैं सो के उठूँगी, बस कॉम करूँगी, तब भी ये ऐसे स्ट्रेट रहता है. तो कॉम बस कॉम करने की ज़रूरत है, जो कि मैं हमेशा वुडन कॉम से ही कॉम कर रही हूँ. और वुडन कॉम से जब से मैंने कॉम करना शुरू किया, तब से मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे करेंट जैसे नहीं रहते हैं. तो ऐसा मेरे हेयर के साथ है, ये मेरी हेयर के साथ क्वालिटी है. तो मुझे मैनेज करने में उतना टफ नहीं होता, बट हो सकता है कि कुछ लोग हों जिनका थोड़ा सा हेयर मैनेज करने में टफ हो शॉर्ट हेयर, बिकॉज उनके बहुत ज़्यादा वेवी हेयर हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उलझते हैं, या फिर रफ हेयर हैं. तो उस केस में आई गेस कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. अब बात करेंगे कॉन्स पे, मतलब जो मुझे लगता है. लोगों ने तो बहुत कुछ बोला हुआ है, बोलते हैं, लेकिन जो मुझे पर्सनली फील होता है मैं वही आपको बताऊंगी. कि लोग बोलते हैं कि स्टाइल करने में इजी नहीं है, पोनी नहीं कर सकती क्योंकि पोनी करने में थोड़ा सा और सा लगता है. कर सकती हूँ ये, और भी इसे अगर छोटा करती तो शायद मैं पोनी नहीं कर पाती. बट ये जो जितना लेंथ है, जितना लेंथ मैंने रखा है, मीडियम लेंथ आप बोल सकते हो, मीडियम से थोड़ा सा छोटा है, तो उस इस लेंथ में मतलब मैं इजीली अपना पोनी कर पाती हूँ, मतलब कर सकती हूँ. लेकिन डेफिनेटली मैं पोनी नहीं करना चाहती हूँ. बस मुझे अगर लगता है, घर पे हूँ मैं, तो मैं पीछे करके पूरे बाल क्लच कर लेती हूँ. प्रॉब्लम वाली बात अभी तक हुई नहीं है, अभी है ही नहीं, छोटे बाल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. आई एम फाइन और आई एम लविंग इट और आई एम एंजॉइंग इट और अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है. लॉन्ग हेयर अगर आप अच्छे से कैरी कर पा रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा. अगर कैरी कर पा रहे हो तो अच्छी बात है. अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है और आपका एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो शॉर्ट रखो शॉर्ट, लेकिन वो भी मैनेज करना पड़ेगा. अगर आप उसको कैरी कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है. अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हो, तो वो आप कैसे भी करा लो, कैसे भी कर लो, वो अच्छा नहीं लगेगा. तो ऑटोमेटिक नहीं हो जाता, कुछ तो एफर्ट करना पड़ता है, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो. थोड़े से एफर्ट में आप काफ़ी अच्छे, आपको फील हो सकता है, आप अच्छे लग सकते हो, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो. बिकॉज बहुत मैटर करता है आपके कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आपके लुक से, आप कैसे बात करते हो, सब चीज़ से वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है. चाहे तो लोग आपको जिस तरह से इंपॉर्टेंस देते हैं, आपसे बात करते हैं, आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, उससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है. तो यस, ये था और ये सारी चीज़ें आप में डेवलप करनी है. आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि
आपको कराना चाहिए शॉर्ट, नहीं कराना चाहिए, मैरिड डिमैरिड को तो समझ में आया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे।